वेलकम टू मैथ क्लास चैनल इस वीडियो का टॉपिक है थर्ड प्रोपोर्शनल फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल है क्या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू सिक्सटीन एंड थर्टी सिक्स थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है थ्री क्वांटिटीज अगर थ्री क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी हैं आर रिलेटेड एज इस रिलेटे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी देन सी इज़ कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शन ओके अगर ए बी सी थ्री क्वांटिटीज़ हैं और वो इस तरह रिलेट हुई हुई हैं तो उसमें जो है सी क्या है थर्ड प्रोपोर्शन है ओके ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी रेशो और प्रोपोर्शन क्या होता है तो ये हमारे पास रेशो होता है और ये हमारे पास क्या होता है प्रोपोर्शन होता है इसमें मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं आप चेक कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे हम ये कर लेते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस तरह करते हैं कि जब थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है सिक्स और ट्वेल्व का तो यहाँ पर सिक्स और ट्वेल्व हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हैं तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल किया है लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोशनल देन उसको किस तरह लिखना है जो आपके पास क्वान्टिटी फर्स्ट है उसको एक दफ़ा लिख लें जो सेकेंड क्वानिटी है उसको टू टाइम्स लिख लें ट्वेल्व है तो यहाँ पर ट्वेल्व यहाँ भी ट्वेल्व और यहाँ पर एक्स क्योंकि हमें नहीं पता थर्ड तो प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो हमने लेट कर लिया वो एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिख लें ओके इस तरह लिखना है कि फर्स्ट क्वान्टिट्टी देन सेकेंड क्वान्टिट्टी जो है उसको टू टाइम्स और दैन जो लेट किया हुआ है वो भी वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है तो यहाँ पर मैंने एक्सट ले लिया आप जो भी ले लें यहाँ पर रेशो यहाँ पर प्रोपोर्शन और यहाँ पर रेशो ओके और देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है ये एक्सट्रीम है और ये मीनस हैं इनको मल्टीप्लाई करके फिर आंसर आ जाता है ओके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फाइन थर्ड प्रोपोर्शनल टू सिक्सटीन एंड थर्टी सिक्स तो हम यहाँ पर तो लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन और यहाँ पर लेट uh, लेट कर लेते हैं हम भी एक्स ले लेते हैं लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल लेट एक्स बी थर्ड प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल। देन देन क्या होगा अब इसको लिखना कैसे है आपको पता है कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसको लिख लें देन रेशो देन है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स को हमने टू टाइम्स लिखना है और इनके सेंटर में प्रोपोर्शन का साइन और देन रेशो और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स ये प्रोपोर्शन है ओके okay? अब क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो हम यहाँ पर लिखना है तो लिख लें नहीं भी लिखना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सॉल्व तो हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं ठीक है लिख लेते हैं फिर दिखाती हूँ ठीक है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे एज अ प्रोडक्ट लिख लेते हैं सिक्सटीन डॉट एक्स डॉट का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई ही है और थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स ये मीनस है इनको हमने एज ए प्रोडक्ट लिख देना है लिख दिया इस टाइप में अब क्या करेंगे एक्स यहीं पर रहेगा थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स ही है और सिक्सटीन दर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर कटिंग हो जाएगी कटिंग आप जिस तरह मर्जी कर लें बेशक टू से कट कर लें या डायरेक्ट जो है बड़े नंबर से कर लें हम अगर टू से कट कर लें या फोर से कर लें ठीक है यस टू से कर लेते हैं टू कितनी ज़्यादा सिक्सटीन होता है एट ज़ार टू कितनी ज़्यादा थर्टी सिक्स होता है एटीन जैर यस अगेन जो है यहाँ पर अब एटीन आ गया यहाँ पर एट है अब यहाँ पर ये यह कर लेते हैं अगेन टू से कट कर लें टू कितनी ज़्यादा एट होता है फोर ज़ार टू कि ज़्यादा एटीन होता है नाइन ज़ार यहाँ पर फोर है यहाँ पर नाइन है इनको कट कर लेते हैं फोर वन जैर फोर फोर कितनी ज़्यादा थर्टी सिक्स होता है फ़ोर नाइन ज़ैर थर्टी सिक्स होता है ऐसा ही है तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया नाइन और यहाँ पर भी नाइन है और नीचे डिनोमिनेटर में तो वन है तो डिनोमिनेटर में नाइन एंड नाइन है बचा यहाँ पर नाइन मल्टीप्लाई बाई नाइन लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में वन है तो किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ही आ जाएगा इसलिए आप वन आप नान लिखें ठीक है और यहाँ पर क्या आ जाएगा नाइन नाइन ज़ैर एटी वन और यहाँ पर x की वैल्यू 81 आ गई और थर्ड प्रोपोर्शनल हमने एलेट किया था x की इक्वल और x की क्या आ गया 81 आ गया तो इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास 81 है होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है आपको कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पर क्वानिटीज़ डिफरेंट हों तो आप इसलिए उसको सॉल्व कर सकते हैं आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर